कहन राज को करन मन करो महान यह कार आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूँ। जैसे शक्कर की एक छोटी सी एक छोटे से शक्कर के टुकड़े में मीठापना इतना व्याप्त है कि जहां से उसे चखे वहां मीठा ही मीठा है, ऐसे ही यह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा इस देह रूपी देवल में रहकर इस देह रूपी देवल से न्यारा ऐसा जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जैसे गर्म पानी में हाथ डालते हैं और यहाँ हमें जो गर्म का अनुभव होता है वो गर्म का अनुभव इस शरीर को नहीं हुआ। वो गर्म का अनुभव यदि शरीर को होता तो मुर्दे को भी वो जब जलाते हैं तब गर्म का अनुभव होना चाहिए। वह जो गर्म है ऐसा जहां अनुभव हुआ वह जो अनुभव करने वाला वही चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वह आत्मा ही मैं हूं। इस देह रूपी देवल में रहकर इस देह रूपी देवल से न्यारा ऐसा जो भगवान आत्मा, उस आत्मा की अनुभूति होने पर देह में रहकर देहाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, इसलिए आज पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। जिसके लिए आज का दिन पावन दिन है, धर्म का दिन है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी दिन धर्म का दिन नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का दिन नहीं हो सकता क्योंकि जिसने एक दिन को ही धर्म का दिन माना उसने धर्म को किसी समय की सीमा में बांध कर रखा। जो धार्मिक है उसके लिए तो हर दिन प्रति समय जब भी उठे बस ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसके लिए कोई विशिष्ट धर्म के दिन नहीं होते। उसका तो जीवन ही चैतन्यमय है, चैतन्यमय है और उस दशा तक आप समस्त परमात्मा पहुंच सकते हैं। हम बचाव करते हैं, हम अपने मन को मनाते हैं कि 365 दिन में किसी एक दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाए बहुत हो गया, गुरु का विनय हो गया, हाथ जोड़ दिया, 2-4-5 रुपये यहाँ लिखा दिए, बस हो गई गुरु पूर्णिमा। ऐसी गुरु पूर्णिमा भगवान नहीं होती, ये सस्ती नहीं है। ऐसी गुरु पूर्णिमा ऐसी सस्ती नहीं है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ तो यह है कि गुरु के पास जो ये जाना, पूर्णिमा के चांद जैसा जो परिपूर्ण, ऐसा जो ये भगवान आत्मा जिसमें अधूरा कुछ भी नहीं,
पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण भगवान आत्मा कि जिसमें कुछ भी अधूरापन नहीं, ऐसा भगवान आत्मा गुरु के मुख से उसके संबंध में जब जाना और जान करके जब स्वयं ने ऐसा अनुभव अंतर में हुआ, जिस समय अंतर में मैं चैतन्य ऐसा अनुभव हुआ, उस समय गुरु का असली विनय किया, उससे पहले कोई विनय नहीं होता, उससे पहले कोई भी नहीं होता। और अनंत भव ऐसे ही बीते, गुरु के पास गए, हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए, भाव भावुक हो गए, दो आंसू भी बहा लिए, परंतु उस चैतन्य की अनुभूति, जैसा विनय, जैसा आदर कृपाणु देव ने महावीर भगवान का किया, ये गुरु पूर्णिमा का विनय है। ये जो स्थिति जो दिख रही है ये असली विनय है। और हम लोग बचाव करते हैं कि हमारी वो स्थिति तो कहां आएगी, क्यों नहीं आएगी, रुचि नहीं है। जब रुचि जगे तो भगवान आपको हो सकती है, अभी हो सकती है। आज तो हमारी भावना थी गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक घंटे से ज्यादा दो घंटे का स्वाध्याय कम से कम हो, भाई साहब ने उसमें भी 45 मिनट कर दिया। ये गुरु पूर्णिमा का दिन है कि हम जितना हो सके उतना चैतन्य की ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए। आज तो ज्यादा से ज्यादा भगवान आज का दिन ऐसा कि ये जो चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, शब्द अच्छे अच्छे देंगे कुछ नहीं होगा, इसे त्याग शब्द बोलो त्याग में कुछ नहीं होगा, कभी भी त्याग ऐसा नहीं होता। रुपयों का कभी त्याग, त्याग का मतलब आप जानते त्याग क्या होता है? 2 लाख 5 लाख मंदिर में लिखा देने का नाम त्याग नहीं होता, नहीं होता है वो त्याग। खास बात तो यह कि शास्त्रों में उसे दान भी नहीं कहा, क्योंकि दान 4 प्रकार के कहे, ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान और आहार दान, उसमें रुपया दान है ही नहीं, वो दान भी नहीं है। त्याग तो बहुत, त्याग का भाव जानते, एक बात समझने जैसी है, त्याग का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी में कांच के टुकड़े पकड़ के ऐसे रखे, मुट्ठी में बांध के, कांच के टुकड़े ऐसे मुट्ठी में बंद है। समझना इसके गहरे भाव को कि ज्ञानियों का, कृपाणु देव का, चक्रवर्तियों का त्याग क्या था और हमने त्याग की परिभाषा क्या कर दी। ये जो मुट्ठी में कांच के टुकड़े यहां पर बंद है और किसी व्यक्ति ने देखे सच्चे हीरे को, सच्चे हीरे को जब वो देखा और हीरे को लेने गया और हाथ ऐसा खुला हीरे को पकड़ने के लिए, और हाथ खुला और हीरे को पकड़ लिया, क्या आप कहेंगे कि उसने कांच के टुकड़ों का त्याग कर दिया? बिल्कुल नहीं। वो क्या त्याग किया? वो तो कोई चीज उसे ऐसी दिख गई और ऐसी ऐसी वस्तु उसे दिखी कि उसे पकड़ने, वहां पर ऐसे ही हाथ फैलाया कि वो चीज ऐसे ही गिर गई। वो कांच का टुकड़ा मैं एक छोड़ू, दूसरा छोड़ू, तीसरा छोड़ू, ऐसा कौन सोचता है? हीरा सामने दिखे, हीरा जब हाथ में आता है, मुट्ठी में है, सब छूट जाता है, वो छूट गया, उसका नाम त्याग। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, अकेला त्याग नहीं होता। और चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जब अनुभव की पर्याय में ग्रहण होता है, तब सारे संसार का त्याग हो जाता है। ये त्याग की परिभाषा है, ये त्याग है भगवान। सुनना थोड़ा कठिन लगे मगर भगवान सच तो यही है, सच तो यही है, अनादि से ऐसा ही हुआ है। हमने असत्य को भी सुनना पसंद किया है, यदि वो असत्य हमारे अहंकार को पुष्ट करने वाला हो, और हमने सत्य को सुनने से भी इनकार कर दिया है यदि वो हमारे अहंकार को चोट करता हो। सत्य यह है कि ग्रहण हुआ ऐसा चैतन्य तत्व, वो गिनती करने कौन बैठता है? चक्रवर्ती जब 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी को छोड़ते हैं, गिनती करते हैं 2 लाख छोड़े, 4 लाख छोड़े, अंतर की चैतन्य की अनुभूति की निर्मलता के बल पर परिणति आत्मा की ऐसी निर्मल हुई, ऐसा स्वरूप है उसका, मूल्य शून्य हो गया, मूल्य शून्य हो गया उसकी दृष्टि में, ऐसा कौन गिनती करे?
बहुत अच्छी बात है कि वस्तु को छोड़े तो मल को मूत्र को छोड़े, ऐसे ही बहुत अच्छी बात है। मगर मल मूत्र का हिसाब कौन लगाता है कि कितना छोड़ा आज? मगर हम यहां हिसाब लगाते हैं। और खास बात तो यह है कि मल मूत्र की बोलियां होती हो तो कैसा लगेगा कि किसने कितना मल मूत्र आज छोड़ा। यदि वो मल मूत्र ही है तो ये मल मूत्र की ही बोलियां चल रही थी और कुछ नहीं था। बात ऐसी है भगवान, जैसी चैतन्य की अनुभूति हो। और एक बात आपको सच ये बता दे कि गुरु पूर्णिमा के दिन किसने कितने रुपये का दान दिया है ना, सचमुच बात यह है कि सुनने वाले जो है चैतन्य की बात सुनने बैठे, किसी को रुचि नहीं है कि हम किसने कितना दिया, किसी को नाम सुनने में रुचि नहीं है। कौन बैठता है यहाँ कि चलो मैं सुनता हूं, ये तो हम सुनाते हैं और सिर्फ अच्छा तो उन्हें लगता है जिनका नाम आता है, ये भी संतुष्ट होते हैं आ गया। और कभी नहीं भी नाम दिया, एक मुमुक्षु की तरफ से 25,000 रुपये नाम नहीं देना है, एक मुमुक्षु लिखाया, मगर जब यहां से बोला जाए ना एक मुमुक्षु की तरफ से 25,000 रुपये, वो सोचेगा बस ये मेरा नाम, ये मुमुक्षु वो मैं, अंदर में यही पड़ा है कि मैं, वो मैं का भाव निकल जाए फिर नाम का पता ही न चले कि कौन देने वाला। ऐसी दशा कृपालु देव जैसी दशा आज गुरु पूर्णिमा का दिन है भगवान। आज के दिन ये धन यदि धूल है और महल यदि मिट्टी है तो चैतन्य के आश्रय से ही उसका त्याग हो सकता है, उसके बिना त्याग नहीं हो सकता, ऐसा चैतन्य तत्व। अब तो खास मुझे ये नहीं बताना कि आपके हाथ में जो है वो कच के टुकड़े को छोड़ो, ये नहीं बताना। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि सामने हीरा है, फिर आप छोड़ो ऐसा नहीं कहना पड़ेगा, जब पकड़ने जाएंगे ये छूटेगा, ऐसा स्वरूप है। मगर जन्म से हम जहां जन्मे हैं ना बहुत दुर्लभ हो गई ये बात, हम जहां बड़े हुए हैं समाज की व्यवस्था में, संस्था की व्यवस्था में, हम जहां अभी यहां रहते हैं ये चैतन्य तत्व की ऐसा ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, अनादि अनंत सत्ता स्वरूप, जो रहने वाला, जो कल जो परसों, ऐसा ऐसा नित्य, ऐसी असारता का बोध हो। जब भी सुबह ही आज एक भाई साहब आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि अनित्यता की असारता का अर्थ क्या है, यही उनको बताया। जब अस्पताल में आपको डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराना है और टेस्ट कराया और वो रिपोर्ट आपके पास में आया, डॉक्टर का रिपोर्ट आपने देखा और आपने देखा कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आप खुश हो जाते हैं कि बस चलो टेंशन मिट गया, अच्छा हो गया, कुछ नहीं। मगर उस समय ये बात भूल ही जाते हैं कि अगले पल में भी मृत्यु की तलवार सिर पे लटक रही है। अभी हम मान लेते कि बस हम ठीक हो गए, मैं कुछ नहीं है, मौत आगे है उसका विचार ही नहीं करते। और जब तक जब ये रिपोर्ट आए ना तब भी ये जागृति की कुछ भी नहीं, तब ये जागृति कि अगले समय ये जो शरीर के परमाणु अपने अपने शरीर में अनुभव करके घटित करना, पूरी तरह से भाव से भीगकर ये बात भगवान सुनना, ये जो शरीर के परमाणु जो अभी जिसकी रिपोर्ट निकाली जा रही है, अगले क्षण ये रिपोर्ट निकालने के लिए टेस्ट कराने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि राख की कोई रिपोर्ट नहीं निकालता है। ऐसा इस देह के परमाणुओं में ऐसी अनित्यता की असारता का जितना गहराई से बोध हो उतना ही चैतन्य की ओर वहां दृष्टि जाती है। इस देह के परमाणु का राख के रूप में देखना और ऐसा कि बस फिर दर्पण में देखे तो राख की बनाया हुआ वो पुतला ही सामने दर्पण के सामने दिखे और कुछ नहीं। और भगवान बात ही ऐसी है, सब उदय अनुसार अपने अपने अनुसार ऐसा सहज परिणमन होता है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, स्वयं की सत्ता की जागृति कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं। इससे पहले गाय का शरीर था, भैंस का शरीर था, पता नहीं वो शरीर कहाँ है, कुत्ते का शरीर था वो शरीर पता नहीं, बिल्ली का शरीर था वो पता नहीं, कोई देह नहीं बचा इससे पहले। जो भी देह इस आत्मा ने धारण की, एक देह का प्रमाण बताओ कि कहां बचा है,
बस यही प्रमाण है कि ये देह है वह राख के परमाणुओं का समुदाय और कुछ भी नहीं है। और जितना बोध हो बस उतनी ही चैतन्य की अंतर में ऐसी महिमा आएगी कि बस अब जीना भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य, वो चैतन्य ही चैतन्य और कुछ भी नहीं। ऐसा गुरु का आदर यह है हमेशा, भले आज ऐसा आदर नहीं हो सकता है, ऐसा विनय नहीं हो सकता है, मगर आज सत्य को जाने तो सही कि ज्ञानियों का आदर कैसे होता है। गुरु के चरणों में 1,00,000 रुपये रख देना ये गुरु का आदर नहीं है, गुरु का अपमान किया, क्योंकि उसने अभी माना कि गुरु को इस वस्तु की अभी महिमा है। शिष्य अपने विचारों में गुरु के लिए इतना सोचता है कि गुरु नहीं, इसलिए कृपालु देव के शिष्य ने कृपालु देव का जो विनय किया वो असली विनय है आत्मसिद्धि में। वहां कितने लाख कितने करोड़ कितने दिए कुछ नहीं, बस सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान, बस ये जो प्रकट हुआ बस यही कृपालु देव आपका विनय हुआ। हाँ, वरना गरीब लोग हैं वो गुरु का विनय नहीं कर पाएंगे। निर्धन को विनय करना दुर्लभ हो जाएगा, वरना निर्धन को विनय करना दुर्लभ हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन अच्छी तरह समझ ले कि गुरु का विनय यह है कि गुरु के मुख से जो आत्मा की बात सुनी कि आत्मा नित्य है, गुरु के मुंह से देह की बात सुनी कि देह राख है और अनित्य है, जो सुनी उसका अंतर में अनुभव हुआ, भेद ज्ञान हुआ, बस भेद की रेखा दोनों के बीच में खींच गई, एक भेद की दीवार खड़ी हो गई, एक और आत्मा और दूसरी और शरीर, दोनों के बीच में भेद ज्ञान की दीवार खड़ी हो गई। और वो भेद विज्ञान की जब दीवार खड़ी हुई बस यही गुरु का विनय हो गया। कोई बेटा कहे मैं अपने पिताजी को मानता हूं, अब पिताजी कहे ये कि बेटा पानी का गिलास लेके आ, सुनता है, बेटा पानी का गिलास लेके आ, सुनता है, बेटा ने तू सुनता है कि नहीं, मैंने तुझे कहा पानी का गिलास लेके आ, बेटा कहता है मैं सुनता हूं पिताजी आपने कहा पानी का गिलास लेके आ। तीसरी बार कहा पिताजी ने बेटा पानी का गिलास लेके आ, तू सुनता है, हाँ पापा सुनता हूं, आपने 3 बार बोला पानी का गिलास लेके आ, ये बेटा पानी का गिलास लेके आ ये बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा? पिताजी कहेंगे लोगों से कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरी बात सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, क्योंकि वो सुनता है मगर जो सुनता है वो करता नहीं है। और कृपालु देव ने ये कहा कि स्वरूप में स्थिर हो जाओ, एक बार कहा स्वरूप में स्थिर हो जाओ, दूसरी बार कहा, कृपालु देव कह रहे सुन रहे हो ने, हमने कहा कृपालु देव सब सुन रहे, स्वरूप में स्थिर हो जाओ, हमारी भी यही हालत है। गुरु पूर्णिमा का दिन है भगवान, ऐसा विनय आज तक नहीं किया, ये विनय आज तक नहीं किया, ये विनय तो मुफ्त में हो जाता, 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता कितना भी, मगर उसके लिए अनंत पर्याय त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेती है, वो अनुभूति है, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, आज करेंगे। ये जो मूल मार्ग सांभरो जिन्नोरे, सुन रहे हैं ना आप, सांभरो देखो सब कह रहे हैं यही पानी का गिलास लेके आओ, सुन रहे हैं ना, सुन रहे मूल मार्ग सांभरों का भाव हुआ, सांभरों का भाव ये हुआ कि जो सुन रहे हैं उसका प्रयोग शुरू हो जाए, बस वो सांभरो सांभरो उसका प्रयोग प्रारंभ हो जाए। असारता का ऐसा बोध मूल मार्ग सांभरो जिन्नो रे करी वृत्ति अखंड सन्मुख, ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये जो चैतन्य स्वभावी द्रव्य स्वभाव ऐसा अखंड है। अब इसका स्वरूप समझना, इस शब्द का भाव क्या है, जैसे आपने छिपकली को देखा हो कि उसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ थोड़ी देर ऐसी हिलती है, और छिपकली अलग है ऐसे गरोड़ी, तो ऐसे तो दोनों वो जो आत्मा है वो आत्मा कहीं कटा नहीं है, एक ये अभी पूछ ये जो पूछ है और ये छिपकली है, तो जैसे वो कट गई और ये हिल रही है, तो यहां एक जो आत्मा पहले था वो दो नहीं हो गए, ये जो आत्मा है यहां पर भी वही आत्मा है, और यहां तक कि इसके बीच में पूछ और छिपकली का जो ये शरीर
इनके बीच में भी आत्मा, ये फैला हुआ एक ही आत्मा का, शास्त्र में उसमें समुद्र घास आता है, सात प्रकार का होता है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, मगर ये जो आत्मा है वो खंडित नहीं हुआ, वो अखंड है। छह ढाला में नरक का वर्णन आया है। यूरोप में रोम में एक फादर के साथ में हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे एक वेबसाइट का नाम बताया था, spiritlessons.com। उस वेबसाइट पर एक वीडियो है 23 मिनट इन हेल क्रिश्चियनिज्म में, वहां उन्होंने बताया कि नरक गति में भी वहां दुख है, पीड़ा है, ऐसी पीड़ा कि वहां पर भी गरम गरम तेल में तिलते हैं, ऐसे काटते हैं तलवार से, जैसे छह ढाला में लिखा, तिल तिल करे देह के खंड, असुर पीड़ावे दुष्ट प्रचंड, छह ढाला में लिखा है, तिल तिल इसमें लिखा, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। नारकी जीव जब झगड़ते लड़ते तिल तिल जितने छोटे टुकड़े कर देते, उसका भाव बहुत कम जीव समझते। एक श्रोता ने तो ऐसा ही प्रश्न पूछा था पिछले प्रवचन में, ये जो बाद तिल तिल करे देह के खंड, तो उसमें दो बार बताए ना तिल तिल करे, बोले कौन से तिल, सफेद तिल या काले तिल। तो क्या सुनना था और क्या सुना उसने, सफेद काले से मतलब क्या था वहां, वहां तो इतना बताना चाहते कि छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। मैंने कहा दोनों समझ लेना, सफेद काला दो बार लिखा है, तिल तिल करे देह के खन, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। एक बटन रसल हुए, बटन रसल की एक किताब है Why Am I Not Christian, उस किताब में उन्होंने लिखा है ऐसा है भगवान, ये चैतन्य तत्व जो है, जानने देखने वाला में भगवान आत्मा, ऐसी जिस पर्याय में जिस समय अनुभूति हुई, वो अनुभव जब यहां आत्मा का हुआ, उस समय सदगुरु का विनय हो गया। ध्यान सदगुरु की ओर नहीं है, ध्यान निज आत्मा में है, मगर विनय सदगुरु का हो रहा है। बच्चे का ध्यान जब पानी का गिलास लेने जाता है तब पापा की ओर नहीं है, गिलास कहां है, वहां है ध्यान उसका, अटेंशन कहां है, गिलास कहां है, वो गिलास की ओर देखता है, गुरु पापा की ओर नहीं देखा, गिलास की ओर देखता है, जग में से पानी लेता है, ध्यान उसका वहां है, मगर वो विनय करता है पापा का। ऐसे ही ध्यान आत्मा का होता है, मगर विनय होता है उस समय सदगुरु का, वो सदगुरु का विनय है, ये विनय की परिभाषा है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में विनय के संबंध में जो गाथा है 19वीं और 20वीं गाथा, और आगे ही बता दिया, असदगुरु ये विनय नो लाभ लहे जो काय। बस यदि कोई गुरु यदि ये चाहे कि शिष्य के पास कुछ मैं प्राप्त करूं, नहीं कुछ नहीं, जान लिया अनित्यता की असारता को जिन्होंने जान लिया, वो चाहेंगे भी कैसे कि इस शिष्य से मुझे ये मिले, कभी नहीं। बटन रसल की ये किताब जो Why Am I Not Christian, उसमें उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इसलिए ईसाई नहीं हूं क्योंकि बाइबल में बहुत बार ऐसा लिखा कि तुम मरोगे कटोगे, वहां गरम गरम तेल में तुमको तेलेंगे, ऐसा सब लिखा है, और डराया गया है, वहां पर डराया है, बहुत डराया है, इसलिए मुझे वो क्रिश्चियनिज्म में रुचि नहीं है। हमारे यहां क्या किया है छह ढाला में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यहां भी तो यह है कि नरक में काटेंगे तिल तिल जितने टुकड़े करेंगे, मगर उसका भाव बहुत गहरा है, यहां डराने के लिए नहीं, यहां ये बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है नरक में ऐसे तिल तिल जितने टुकड़े हो जाएंगे, और हो गए थे पहले, फिर भी आत्मा का एक से दो टुकड़ा नहीं हुआ, शरीर के टुकड़े होते मगर आत्मा अभी बचा ने, टिक कर के रहा ने, मर नहीं गया ने, वो टुकड़े शरीर के हुए मगर मैं नहीं मरा, ऐसा में आत्मा, ये महिमा बताने के लिए वो बताया, शरीर खंड खंड रूप हुआ मगर मैं खंड रूप नहीं हुआ, वो इसका अर्थ है अखंड, अखंड का भाव ये है, ये अखंड। कृपालु देव के जो पद है उसमें ये अंदर की अनुभूति की जो बात, उसका जो रहस्य है, ऐसा है स्वरूप आत्मसिद्धि शास्त्र, ऐसा शास्त्र है न।
मेरे मित्र तो कहते हैं आप 1500 शास्त्र की गाथा सब फटाफट बोल देते हो, कौन सा पन्ने कौन सा पेज कमई सा नियम सा कोई भी शास्त्र फटाफट निकालो आप पेज बताओ उस पेज में क्या है वो हम बताएं। 1500 शास्त्र याद कर लिए। मैं सभी साधकों से ये कहता हूं ये जो जितने भी जैन शास्त्र ये जो 1500 शास्त्र की लिस्ट में आपको दू उनमें 1500 शास्त्र में एक शास्त्र का एक वाक्य ऐसा नहीं है, एक शास्त्र का एक वाक्य ऐसा नहीं है जो वाक्य जिसका जो अर्थ होता है वो आत्मसिद्धि शास्त्र में वो वाक्य न लिखा हो। आप लेके आओ कोई भी शास्त्र का कोई भी वाक्य आप लेके आओ हम आपको बताएंगे आत्मसिद्धि शास्त्र में वो कहां है। इसलिए 18,500 वर्ष तक आत्मसिद्धि शास्त्र अंत ये बहुत बहुत गहरा रहस्य है भगवान। जैसे मूर्ति बनाने वाला पत्थर में से मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनने से पहले पत्थर में ही मूर्ति को देख लेता है, बनी नहीं है देख लेता है कि मूर्ति इसमें है, तभी तो मेहनत करता है वरना मेहनत क्यों करे। मूर्ति बनाने से पहले ही पत्थर में मूर्ति देख लेता है। हमने 18,500 साल के बाद एक श्रावक श्राविका मुनि आज जी का आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ेंगे, ये देख रहे हैं इसलिए ये मेहनत कर रहे हैं 142 पेज की, वरना कौन करता ये मेहनत। और सहज 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 है भगवान, ये चैतन्य चैतन्य ही मुख्य, हमारी जेब में एक रुपया नहीं है, 142 देश में जाना है हमारे पास पैसे नहीं, कहीं से भी आ जाते। वो उतना ही काम संभालेगा क्योंकि वो 142 देश में और 18,500 साल तक आगे पहुंचना होगा तो यहां पर ऑटोमेटिक काम होगा। एक विकल्प भी हमारे काम में नहीं आता है, वो उदय का कार्य है। तो जब हमने वो जितना भी टेंशन था ना कि ये बनाना ये बनाना ये करना ये करना वो किसको कौन करेगा, वो तो कर्म के उदय का कार्य है। तो हम जो बोझ लेके बैठे थे कि ये काम मुझे करना ये काम मुझे करना, तो हमारा बोझ तो किसने ले लिया, कर्म ने ले लिया कि मैं करूंगा जो करना है, तो हमें टाइम ही टाइम मिल जाता है, फिर कुछ काम नहीं रहा क्योंकि कर्म ने जवाबदारी संभाल ली। फिर हम क्या करें, हम अपने में स्थिर हो जाए। ये साधक की साधना है, आराधक की आराधना है, ऐसा स्वरूप है भगवान। ज्ञानियों ने ये जो अखंड अखंड के सन्मुख वृत्ति करी, अखंड सन्मुख नोई पूजा दीनी जो कामना रे नोई वालो अंतर्भाव दुख। कोई ख्याति प्रसिद्धि कुछ भी अब न चाहिए, कोई भी ख्याति नहीं चाहिए। ये देह का जो नाम है उस नाम की ख्याति उस समय जागृति रहे कि ये मैं नहीं ये देह, ये जो देह का नाम है ना, यहां एक रमेश सुरेश, ये जो रमेश सुरेश ये शरीर का नाम है, और वो नाम है वो काम चलाओ है। वो नाम बच्चा जब जन्म लेता है उसका कोई नाम नहीं होता, हम नाम देते हैं उसे, इसलिए नाम देते हैं कि इतने सारे लोग हैं उसमें से किसी एक को यदि बुलाना हो तो पहचान कर सकेगा रमेश ही तरह। तो पहचान के लिए था कि यहां पर इतनी सारी वस्तु है, इसका नाम माइक रखा, इसका नाम लैपटॉप रखा, इसका नाम रिकॉर्डर रखा, ये नाम इसलिए रखते हैं कि जो पहचान हो सके। वो पहचान के लिए जो हमें नाम दिया जाता है वो नाम हम ऐसा पकड़ लेते हैं कि उस नाम के आगे यदि कोई जी लगाए तो हम खुश हो जाते। वो तो खाली काम चलाओ नाम था, वो काम चलाओ था, वो काम चलाओ को भी हमने ऐसे पकड़ लिया, वो अहंकार पकड़ लेता है। जी लगाए तो खुश होते, जी नहीं लगाए मेरे नाम के आगे जी क्यों नहीं लगा। ये देह का नाम है जागृति, ये देह, ये मैं नहीं, ये देह, मगर अहंकार है ना। और आज के जमाने में जी लगा के बुलाना पड़ता है, वो बिस्किट को भी बुलाना पड़ता है, पार्ले जी कहना पड़ता है,
जमाना बदल गया है अभी, तो जी तो लगाना पड़ेगा। भगवान जागृति रहे, देह को कोई कुछ भी कहे, ये देह की स्थिति है जिसे, और खास बात यह, क्रोध उसे आएगा जिसने इस देह को ही अपना माना है ना, जिसे उसके अलावा कोई बोध ही नहीं है। ज्ञानी को यदि किसी के सामने झुकना पड़े ना, हाथ जोड़ देना पड़े, तो संकोच नहीं होता, इसलिए क्योंकि अंदर में जाना, हाथ जोड़ूंगा तो भी मैं चैतन्य परमात्मा हूं, जो हूं वो तो हूं ही, बस जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, वो अंदर का स्वरूप कहां बदल गया, वो स्वरूप का अनुभव हो चुका, इसलिए हाथ जोड़ने में वहां पर शर्म नहीं लगती, संकोच नहीं होता, क्योंकि ये हाथ जोड़ते वक्त भी ये अंतर में हाथ ऐसे जोड़े तब जानते हैं मैं चैतन्य परमात्मा। ये जागृति के बल पर ये सहज क्षमा प्रकट होती है, क्षमा प्रकट करनी नहीं पड़ती, ये सहज स्थिति ऐसी है। थॉमस अल्वा एडिसन, पहले महायुद्ध में अमेरिका में ऐसा हुआ कि राशन की व्यवस्था करनी पड़ी और वो गरीब था, उसके पास इतना धन नहीं, तो उसे भी राशन लेने के लिए जाना पड़ा, उसके मित्र किसी काम के लिए बाहर गए थे, उसे खुद जाना पड़ा, इतना बड़ा वैज्ञानिक। वहां कार्ड जमा कर दिया, फिर उसका नंबर आया, थॉमस एडिसन, उसने पीछे मुड़ के कहा कौन है भाई थॉमस एडिसन, वो पहली लाइन में वहां पे ही खड़ा था, कौन है थॉमस एडिसन, सबने देखा होगा उसकी तस्वीर देख कि भाई तुम ही थॉमस एडिसन हो, अच्छा मैं हूं, अच्छा देख देख, बोले तुम अपना नाम भूल गए, लाइक पता ही नहीं चला, इतना व्यस्त हूं मैं खोज करने में कि थॉमस एडिसन मैं हूं, याद ही नहीं रहता। जैसे वो विज्ञान की खोज में ऐसा लीन हुआ कि देह का नाम भूला, हम चैतन्य में ऐसे स्थिर हो कि देह का नाम भूल जाए। हो सकता है मात्र विषय अलग है, उसका विषय विज्ञान था, हमारा विषय चैतन्य का ऐसा चैतन्य तत्व, ये हमारा विषय है, ये जो जानना, ये जानना 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 जानना, ऐसा ये जो ध्रुव अनादि अनंत और वहां इतना अंतर में दृढ़ श्रद्धा कि बस वही मैं, वो वही मैं, ऐसा मैं, वो नहीं, वही चैतन्य तत्व जो है। प्रवचन जब 78 घंटे मुंबई में हुआ ना कल, ऐसा 78 घंटे लोग आते थे लोग जाते थे, 78 घंटे कैसे 3 दिन की 3 रात बीत गए पता ही नहीं चला, गद्दी पे ही बैठे थे। ऐसा चैतन्य तत्व है, मतलब एक बात उसमें ऐसा हुआ कि खून फिर गले में से खून निकलना चालू, वॉमिट हुई तो वॉमिट में खून निकला, अब वॉश बेसिन में खून निकला है, वहां पर खून गिरा है ना, मेरा खून इतना गया नहीं, मेरा नहीं गया खून, वहां वॉश बेसिन में दिखता है आपको क्या दिखता है, देखा है किसने जाना, जानने वाला यहां है ना, कि वो खून गया माने जानने वाला यहां है, मैं तो यहां हूं, मेरा कुछ नहीं गया, वो जागृति कुछ भी गया मेरा नहीं गया, मैं यहां हूं। ऐसा आशा जब पूरा देह के अनंत परमाणुओं का ये सब बिखरना हो जाए, मगर बिखर गए, ये जो जानने में आता है वो जानने वाला यहां है, बस मैं वह हूं, ऐसी अनुभूति जब होती है तब सदगुरु का भी नहीं होता है, तब कृपाणु देव का भी नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा, बहुत गुरु पूर्णिमा मना लो, हर साल मना लो, कुछ नहीं होगा, इसकी भी हैबिट हो गई है, आना मन मस्तक झुकाना चले जाना, कुछ नहीं होगा, अंदर में ऐसी ये बात स्पर्श, अंतर में स्पर्श कर जाए, कोई देह बचने के लिए नहीं है, इसलिए ये जो देह के परमाणु भगवान, ये देह के परमाणु ऐसी स्वरूप की एकाग्रता के बल पर देह होने पर देहाती दशा, ये कृपालु देव जो कहते हैं ना देह छता जीनी दशा वर्ते देहाती, ये उसका भाव ये कि अंतर की एकाग्रता में ऐसी स्थिरता, भगवान आप सभी को वो शक्ति स्वयं को हीन मत मानना, अनंत शक्तिशाली, सभी परमात्मा अनंत शक्तिशाली है, इसलिए गौतम बुद्ध के पिछले भव में वे दीपंकर की उनकी कहानी आती है,
कि शिष्य कोई आते हैं तो शिष्य को वे ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, शिष्य को हाथ जोड़ते हैं, शिष्य जब आके हाथ जोड़े तो वो उनके शिष्य को हाथ जोड़ते। तो शिष्य जब पूछते कि हम तो ठीक है आपको हाथ जोड़े, आप हमें हाथ क्यों जोड़ रहे हो, तो वे कहते कि इस बात का एहसास कराने के लिए भी तुम भी मुझसे कम नहीं हो, तुम भी वही हो जो मैं हूं। इसलिए जिन परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम का भाव यही है, भगवान आप भी वही हो, आप भी वही हो जो यहां है, कोई परमात्मा कोई कम नहीं है, आप भी वही परमात्मा हो। ऐसा अहोभाव, ऐसा अहोभाव, अंतर की मस्ती में ऐसा मस्त, स्वरूप की अस्थि में ऐसा मस्त हो, इमैनुअल कांट हुआ। इमैनुअल कांट की एकाग्रता ऐसी थी, बहुत बड़ा फिलोसोफर, रात को दो दो बजे घर आता वापस, जब दो बजे वापस वो क्या करता, अपने कमरे में आता, कमरे में आकर छाता वहां बेड पे रखता, अपनी पथारी पर बेड पर वो छाता रखता और वो खुद कोने में जाके खड़ा रह जाता और सो जाता। नौकर उसे जगाता, उठो मैंने छाता कोने में रख दिया आप सो जाओ। उसे याद भी नहीं रहता कि छाता कोने में रखना था और इसको बेड पे सोना था, इतना विचारों में लीन कि पता नहीं कि छाता वहां रखना है और मुझे वहां जाना है। आत्मा के अंदर ऐसी एकाग्रता हमें हो सकती है, ऐसी चैतन्य में स्थिरता हो सकती है, जहां देखे न वहां चैतन्य का मेला दिखता है और कुछ नहीं दिखता, फिर रास्ते पर देखे न यहाँ चींटी नहीं दिखती वो चैतन्य परमात्मा, वो वहां पर इल्ली नहीं दिखती वो चैतन्य, जहां 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 देखे ये पेड़ जो सामने वो पेड़ नहीं दिखता वो चैतन्य परमात्मा, आज भले वो आत्मा यहां है कल सिद्ध शिला पर है वो चैतन्य परमात्मा। कोई गाड़ी से जा रहे है, आगे कोई गाड़ी जा रही है, उसका पीछे से धुआं निकल रहा है, धुएं में धुआं नहीं दिखता, उसमें चैतन्य परमात्मा है, वो अभी धुएं की पर्याय में है, वहां भी वायु का एक की पर्याय में है कल सिद्ध शिला पर है। ऐसी चैतन्य की एकाग्रता की ये जो चैतन्य की ध्रुवता, भगवान ऐसी ध्रुवता की मैंने इस देह में रहकर इन परमाणुओं से वह इतना निराला हो गया, देह छूटने से पहले ही जो देह से मुक्त हो गया ऐसा, फिर जहां देखे वहां ये चमड़ा, एक चमड़ा, रास्ते पर जाते हैं न देखते हैं कोई कुत्ता वहां गिर गया मर गया है, कोई गाड़ी में आके मर गया, जब आपने देखा रास्ते में वो कुत्ता मर गया, नजर हमारी हट जाती है तुरंत, हमारी नजर फिर वहां टिकती नहीं है, हम नजर हटा लेते, कौन देखता है, तुरंत नजर हट जाती है। और यदि जिंदा होता ने तो नजर अभी जा भी सकती, रह भी सकती, थोड़ी देर टिक भी सकती। उस शरीर में अब आत्मा नहीं है, उस शरीर को आत्मा से अलग देखा ने, शरीर को आत्मा से अलग देखा तो देखने जैसा लगता ही नहीं है। जब इसको हम देखें ना अभी कि इसमें आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो अपने में है, इसमें तो बस ये मुर्दा ही है, ये राख है, तब इसमें देखने जैसा कुछ लगता ही नहीं, ऐसा निरालापन ऐसा लगेगा। भगवान आपको कितने शास्त्र याद नहीं है ना, कुछ महत्वपूर्ण नहीं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं। अभी 1,00,000 किताब के नाम उनको मैंने दिए, जो किताब हमारी पढ़ने में आई 1,00,000 किताबें, और फिर अंत में एक वाक्य लिख करके हमने उनको भेजा है कि 1,00,000 किताब जो पढ़ी है,
वो 1,00,000 किताब पढ़ी है, वो किताब का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान आत्मा की अनुभूति के लिए जरूरी नहीं है। अंत में ये बात उन्हें बता दी, जरूरी नहीं है। इसलिए आप परमात्मा को निवेदन करता हूं, निराश मत होना, थोड़ा भी जानते हैं इसका भाव ग्रहण कर लेना, शब्द को ग्रहण नहीं करना, शब्द सुनकर भी शब्द को ग्रहण नहीं करना, प्रवचन सुनकर भी उसके भाव को ग्रहण करना। चाय पीकर के भी हम जैसे चाय नहीं पीते हैं, चाय डालते हैं ना पानी दूध में, चाय डालते हैं, चाय डालते हैं, मगर चाय पीता कौन है, चाय को तो फेंक देते और फिर भी कहते हमने चाय पी ली, क्योंकि जो पीने जैसा था वो पी लिया, चाय पी ली। वो शब्द जो है वो शब्द को सुनकर के उसके भाव को ग्रहण कर लेना भगवान। ये कृपालु देव का जो बहुत गहरा रहस्य कि कोई अब अहंकार, कोई ख्याति की, क्योंकि ये जाना, ये जाना मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए 24 तीर्थंकर के नाम आप में से किसी को याद है क्या? बहुत से लोगों को याद होंगे, अच्छा बहुत सी उंगलियां ऊंची हुई। पिछले इससे पहले जो 24 तीर्थंकर उनके नाम किसको याद है? 24 के 24 कोई नहीं। देखो 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर से बड़ा कोई पुण्य नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य, और तीर्थंकर जो हुए ये दुनिया ऐसी है कि तीर्थंकरों के नाम भी याद नहीं रखती है। अब इससे यह बोध हो जाए कि ये रमेश को कौन याद रखेगा, तीर्थंकर भी याद नहीं रहते हैं, ये बोध ऐसा हो जाए तो अहंकार जड़मूल से छूट जाए, तब वो आत्मा की ही विचारों, आत्मा के ही विचार, आत्म तत्व विचार उसके संबंध में ही उसकी गति आगे बढ़े, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए नोई पूजा दीनी कामना रहे अपने। अहंकार है, अहंकार कहीं भी रास्ता खोज लेता है। मैंने कहानी सुनी, एक राजा जिसका बचपन का मित्र सारी दुनिया में ऐसा प्रख्यात सन्यासी हो चुका था, ऐसा प्रख्यात, ऐसी ख्याति फैल गई सारी दुनिया में, और राजा को खुशी हुई कि अपना बचपन का लंगोटिया यार आज सारी दुनिया में, देश देश में उसकी ख्याति फैली है, और पता चला कि आज यहां आ रहा है, तो उसने विचार किया कि आज उसके स्वागत की तैयारी की जाए। और उस राजा ने अपने राज्य में जो रास्ते पर गालीचा ऐसा बिछाया, दिए जलाए, फूलों से और दियों से उसका स्वागत करने की सब तैयारी की, और महल को ऐसा श्रृंगार किया कि बस मेरा मित्र आ रहा है, आज सन्यासी हो गया है। रास्ते में ही सन्यासी को पता चल गया कि मेरा जो बचपन का मित्र दिखाना चाहता है कि मेरी संपत्ति क्या है, वो अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है, ठीक है। सन्यासी राज्य में प्रवेश करता है, राज्य में जैसे ही प्रवेश किया राजा ने देखा कि जो कालीन बिछाए हुए थे गालीचे, राजा ने कहा कि इस पर इतनी मिट्टी कादव कीचड़, इस पर आया कैसे? अपने मित्र को पूछा कि कोई बरसात की कोई खबर नहीं है, बरसात नहीं, कोई पानी नहीं, ये ऐसी कीचड़ भरे पैर तुम्हारे कैसे? उस सन्यासी ने कहा तुम क्या समझते हो, तुम अपनी अमीरी दिखाओगे तो हम अपनी फकीरी दिखाएंगे कि देखो हम भी फकीर है। राजा ने गले लगा लिया उसे और कहा कि बस तुम वही हो जिसे मैंने बचपन में छोड़ा, कुछ बदले नहीं हो, मैंने सोचा था तुम बदल गए होंगे मगर तुम वही हो। अहंकार कहीं से भी रास्ता खोज लेता है, सन्यासी भी क्यों ना हो जाए कि मैं भी बता दूं कि मैं क्या सन्यासी हूं। ऐसी निर्लेपता की वो कादों में जाने की भी जरूरत न रहे, अब ऐसा निरालापन की देह में रहकर ही वो देह से न्यारा हुआ तो कादव कीचड़ के विकल्प में कहां गया? फिर वो समान का भाव वो है, वो राग का द्वेष में रूपांतरण हो गया, वो रूपांतरण न हो।
नहीं पूजा दी, कोई कामना नहीं, अब कोई अहंकार, नोई वाहलु अंतर भव दुख, अब दुखी भवे खेद प्राणी दया, भवे खेद अंतर दया। क्या ये खेद होता है भव का, भव भ्रमण का खेद होता है? अनंत दुख हो गए, दूर से ऐसा लगता है कि ये सुखी है, मगर वह अंतर में नजदीक जाके देखे तो वह दुखी है। पति को लगता है कि पत्नी से सुख मिलेगा, मगर वह विचार करे तो पता चले कि पत्नी से सुख कैसे मिल सकता है, पत्नी खुद दुखी है। वो पत्नी भी मुझे सुख के लिए साधन बनाना चाहती है, जब मैं पत्नी से सुख लेना चाहता हूं तो पत्नी भी सुख लेने के लिए मुझे एक साधन बनाना चाहती है, मैं पत्नी को साधन बनाना चाहता हूं, पत्नी मुझे साधन बनाना चाहती है, दोनों ही दुखी है, दोनों ही एक दूसरों के लिए एक दूसरों के पास सुख मांगने जाते हैं। ये स्थिति ऐसी है जैसे दो भिखारी एक दूसरों से भीख मांग रहे हो, मगर हम ये करते हैं, ये बोध नहीं है। जैसे उस चैतन्य तत्व का बोध हो कि ये जो जानने वाला, आपका जीवन इतना रूपांतरित हो जाएगा, ऐसा रूपांतर, अब कुछ नहीं चाहिए। गुरु यही कहते हैं, गुरु की कभी ये भावना नहीं होती कि तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर ऐसे जुड़े, गुरु यही कहते हैं। सदगुरु वह है जो सदगुरु यही, जिसकी भावना कि आज जो यहां बैठे हैं, अब अगले प्रवचन में कोई भी न बैठे, मैं ये भावना भाता हूं कि अगले व्याख्यान में यहां कोई भी न बैठे हो, मैं ये भावना भाता हूं कि अगले व्याख्यान में बैठने के लिए उन्हें विकल्प ही न हो, यहां से जाके वे ऐसे स्वरूप में लीन हो जाए कि बाहर निकले ही नहीं। ये भावना ऐसी है कि किसी शिष्य को दोबारा गुरु के पास आना ही न पड़े, वो ऐसा स्वरूप में स्थिर हो जाए, ऐसा स्वरूप में स्थिर हो जाए, क्योंकि गुरु ने वह जाना है, गुरु ने वह जाना है। गुरु की स्थिति अच्छी, गुरु वह है जिसमें थोड़ा बहुत तो ऐसा प्रकट हुआ है जो परमात्मा में प्रकट हुआ है, और गुरु वह है जिसमें थोड़ा बहुत अभी कुछ बाकी रह गया है जो शिष्य में अभी पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भगवान जैसा भी जिसमें है, थोड़ा बहुत शिष्य जैसा भी जिसमें है, वो गुरु है। शिष्य को भगवान से जोड़ने वाले जो है वो सदगुरु है, इसलिए सदगुरु वो साकल वो चैन है। कभी का वो दोहा याद आता है, सबने सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे के लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदी बन। उसका रहस्य बहुत गहरा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, शिष्य वहां है, शिष्य विचार कर रहा था कि ये जो गुरु है, ये गुरु को पैर छू या गोविंद के पैर छू, किसके पैर छू, अब बहुत विचार कर रहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब शिष्य विचार कर रहा है कि पहले पैर में किसके छूने जाऊं, तो भगवान तो अपने में लीन है, वो तो किसी को बोलते नहीं है पर्सनली व्यक्तिगत, तो दोनों यहां है। अब वो विचार कर रहा है, चिंता में है कि मैं किसे पहले पैर छू, किसके पैर पहले छू, किसके पैर पहले छू, तो गुरु ने कह दिया गोविंद के पैर पहले छू लो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे के लागू पाई, शिष्य विचार करता है, बलिहारी गुरु आपकी, क्योंकि गोविंद ही बताए, आपने कहा गोविंद को पैर लग ले, पहले तू गोविंद में पगे लागी ले, गोविंद बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए, इसलिए मैं तो आपके पैर पहले छूंगा। ये उसका भाव है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद, क्योंकि मेरी जो द्विधा थी, मेरी द्विधा को गोविंद ने नहीं आपने दूर किया है, इसलिए मेरी द्विधा को दूर करने वाले गुरु मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये उसका रहस्य है। नई पूजा दिनी कामना, नई वायु अंतर पवतु, करी जो जो वचन नी तुलना रे, जो जो शोधी ने जिन सिद्धांत, मात्र कहवू परमार्थ हेतु थी रे,
कोई पामे मुमुक्षुवा। वचन नी तुलना, गुरु की श्रद्धा कैसे होती है, गुरु के वचन से होती है और उसका भाव गहरा है, ऐसा है, उसका भाव गहरा है। समय हो गया आपका 12:39 था ही। मुहूर्त आयो ना, मुहूर्त 12:39 नो मुहूर्त, विजय मुहूर्त। सच तो ये है कि इस मुहूर्त में तो स्वाध्याय अब दूसरा प्रारंभ कर लेना चाहिए। हो जाए एक सेशन और, आपकी भावना ही देखनी थी भगवान, आपकी भावना बहुत अच्छी कि चैतन्य की चर्चा सुनने का आपको इतना अहोभाव आया। मैं समस्त परमात्माओं की इस भावना का आदर करता हूं और प्रणाम करता हूं आप समस्त परमात्माओं को, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय पंडित वर्य श्री मूलचंद शास्त्री जी।